भारत का संविधान अनुच्छेद 243 च सदस्यता के लिए निर्हताएं। अनुच्छेद 243 च एक, कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हित होगा। क, यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ख, यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता है। दो, यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड एक में वर्णित किसी निर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। अनुच्छेद 243 छ, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 छ, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, और ऐसी विधि में पंचायतों की उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उनमें विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात क, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। ख, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के की ऐसे स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करना। अनुच्छेद 243 ज, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 ज, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा क ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत कर सकेगा। ख, राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों के लिए निर्बंधनों के अधीन रहते हुए समनुदिष्ट कर सकेगा। ग, राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा। और घ, पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से कर्मशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। अनुच्छेद 243 झ एक, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 झ एक, राज्य का राज्यपाल संविधान
73वां संशोधन अधिनियम 1992 के आरंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और जो का एक राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन को, दो ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों की अवधारणा को जो पंचायत को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी, तीन राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, ख पंचायतों के की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में, ग पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा, दो राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा आयोग की संरचना का उन अर्हताओं का जो आयोग की के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा उपबंध कर सकेगा, तीन आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करे, चार राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, अनुच्छेद 243 या पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा, अनुच्छेद 243 या किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।